आबाद वकीला वाली गली नंबर 4, 5, 6, 7 सीवरेज सिस्टम नकारा होने से तमाम प्लाजे गर्क हो जाएंगे। वासा अपना किरदार अदा करे अलहाज नसीर यूसफ वहरा। वासा सीवरेज का पानी प्लाजों की बेसमेंट में दाखिल हो चुका है। हाजी अब्दुल्ला नवाज वोहरा सीनियर नायब क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान, फैसलाबाद में वासा की नाकिस पॉलिसियों की वजह से सीवरेज सिस्टम बैठ गया, जिसकी वजह से पानी प्लाजों की बेसमेंट में दाखिल होने लगा, जो के बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसफ वोहरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्होंने वासा के डायरेक्टर ऑपरेशन हमाद फजल और SDO अवैस अली के साथ कचहरी बाजार के वकीला वाली गलियों का विजिट किया और सीवरेज सिस्टम का पानी प्लाजों की बेसमेंट में मौजूद होने पर इसकी निशानदेही भी की, जिस पर वासा के डायरेक्टर ने इसको मशीनरी के साथ सीवरेज के पानी को सख्त करने के अहकाम भी जारी कर दिए। अंजमन ताजान क्लाथ बोर्ड की क्यादत जिसमें मलक गुलजार शेख उस्मान, राना इमरान, साद नसीर यूसफ वोहरा, राना आबिद सजाद खान नदीम वोहरा और दीगर इस विजिट में शरीक हुए। सीनियर लीडर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MNA डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी भी इस मौका पर मौजूद थे। कचहरी बाजार की इन गलियों में कपड़ा इंडस्ट्री की तमाम दफातर मौजूद हैं। नसीर यूसफ वोहरा ने दौरे के इख्तिताम पर डायरेक्टर वासा से कहा कि 8 बाजार और पूरे शहर में जहां जहां वासा का मसला होगा हंगामी बुनियादों पर निशानदेही करवाते हुए दोबारा मीटिंग करेंगे। मुल्क पाकिस्तान हमेशा रहेगा पाक फौज जिंदा आबाद, पाकिस्तान पाइंदा आबाद।